वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी, कहती है आपको खुश आमदेद। अच्छा, मेरा वैसे बेसिकली ब्यूटी सेगमेंट बहुत पसंद किया जाता है। अब मैं क्या करूं कि हेल्थ में भी ब्यूटी बड़ी काउंट करती है, और गर्मियां हैं और हम लोग एक डल फेस हमारे चेहरे नज़र आ रहे हैं, और ऐसे लगता है हम कमज़ोर हो गए, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वेदर अफेक्टेड हो रहा है हमारी स्किन के ऊपर। और जिनकी कुछ पतली स्किन होती, कुछ मोटी स्किन होती, ऐसा है ना कि हमारी जल्द, और कुछ लोगों की स्किन ऐसी होती है कि वो जल्दी उनके पोर्स ओपन हो जाते हैं, और कुछ लोगों की स्किन इतनी सेंसिटिव होती है कि वो रेडिशपन जो उनके चेहरे पर इनहेंस हो रहा होता है, फिर डार्क सर्कल, नींद पूरी होना, अपने आप को हम सही टाइम नहीं देते, डाइट अच्छी नहीं लेते, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ब्यूटी में काउंट करती हैं। जो आज हेल्थ एंड ब्यूटी सेगमेंट हो गया, मैंने अपने प्रोग्राम के हेल्थ सेगमेंट से हमने उसको ऐड किया हेल्थ एंड ब्यूटी सेगमेंट, क्योंकि कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको इंटरनल एंड एक्सटर्नल, और ब्लड सर्कुलेशन, लिवर, जिसका लिवर एक्टिव है, जिसका खून ज़बरदस्त उसकी रगों में रवा दवाएँ, उसकी स्किन जो है ग्लो करेगी। आज आपको फेस खूबसूरत करने के लिए बहुत ज़बरदस्त जो है वो हम आपके लिए सेगमेंट लेकर आए, और एवरी फ्राइडे कौन होते हैं हमारे साथ? जी हाँ, बहुत ही सीनियर हर्बलिस्ट हैं, हिकमत से उनका जो है वो ख़ानदानी ताल्लुक है, तिब नबी के बारे में माशाल्लाह उनकी नॉलेज बहुत ज़बरदस्त है, और हिकमत से इसीलिए ताल्लुक़ है कि 11 पुश्तों से वो हिकमत को अभी तक लेके चल रहे हैं, क्योंकि उनके जितने भी और उनके बड़े थे, दादा परदादा, उनके दादा, उनके परदादा, तो ये बड़ी बात है कि वो सारी नॉलेज उन्होंने, ऑफ कोर्स उनके कुछ लिटरेचर थे, उनकी किताबें थी, हिकमत के नुस्खे थे, वो सब उन्होंने नॉलेज वो स्टडी की, और अब वो उसको आगे लेके चल रहे हैं, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एजुकेशन उनके पास है, तो यहाँ पर मौजूद है। मेरे लिए बड़े एजाज की बात है, हकीम अस्करी साहब यहाँ पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं? अल्लाह की रहमत। और आपने माशाल्लाह ब्यूटी के ऊपर, मैंने जिस तरह, क्योंकि गर्मियाँ हैं और पसीना और फिर बदबू, फिर चेहरे पर अजीब से हमारा डलनेस, तो कुछ लोग तो गर्मियों के अलावा भी उनकी स्किन में ग्लोइनेस खत्म हो गई, तो आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो मौसम चल रहा है, सबसे बुनियादी चीज है कि इस मौसम में जो जितनी धूप की तमाजुक बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जी वो इस वक्त साइंसदान जो है बड़े परेशान है, और खास तौर पे क्योंकि यहाँ तो सियासतदान उलझे हुए हैं अपने अपने मसाइल में, लेकिन इस वक्त जो है पूरे पाकिस्तान में गर्मी की शिद्दत बड़ी बढ़ चुकी है, और रिकॉर्ड तोड़ गर्मी जो है वो पैदा हो रही है, जिसकी वजह से बहुत सारे इमराज जन्म ले रहे हैं, खासतौर पर जल्द जो है वो बहुत मुतासर भी हो रही है जो, और दूसरा कॉलरा, हैजा, डायरिया, ये जो है ये भी फैल रहा है। बिल्कुल ठीक। मगर चूंकि आपका हमारा आज का मौजू जो है वो स्किन है, जी जी, और जल्द जो है वो सबसे पहले मुतासर होती है मौसम की तमाजुद से, आपकी गजा से, आपका इंटेक से, आपकी रोजमर्रा जिंदगी के अमूर से। तो हम सबसे पहले जो है तो ये लेते हैं, इन चीज़ों को लेते हैं कि आपकी जिल्द तवाना, जवान, खूबसूरत, हसीन कैसे रह सकती है, हुसन जमाल की रसाई तक कैसे पहुंचता है, और किसी की ख्वाहिश होती है अच्छा नजर आना। बिल्कुल बिल्कुल। और ये अल्लाह जमील वाहिबो जमाल जो है बिल्कुल, वो बिल्कुल अल्लाह की हुसन और अल्लाह का खुद उसको पसंद हल्के हो, ये अल्लाह हसीन है और हुसन को पसंद करता है, ये कायनात, ये नजारे, ये खूबसूरती, हसीन हसीन तमाम चीजें, ये हुसन ही रिप्रेजेंट करती है, और इतना खूबसूरत इंसान बनाया जिसकी तखलीक के बाद उसको खलीफातुल अर्द कह दिया, जमीन की खिलाफत दे दी, क्या बात। और यही चीजें हैं जो अल्लाह ताला ने कहा है कि मेरी तखलीक जो है इंसान बेहतरीन तखलीक है, तो खुद इंसान अपनी उसकी कदर करे, उस तखलीक कार को माने और अपनी तखलीक पर कदर करे कि जी दुनिया में आप आए हैं अपने जिस्म, जान, यकीन और ईमान का इम्तहान देने के लिए आए हैं, और इसमें कामयाबी होती है तो फिर आप समझे कि आपके दोनों जहान आपके लिए कामयाबी का दोहराया है। अच्छा, अब मेरे पास एक सामने एक चीज है और उसने आते मुझे बड़ा अट्रैक्ट किया, और ये हकीकत है, अगर हम किसी को देखते हैं यार तुम्हारा स्किन तो स्किन बड़ी प्यारी, तो हम उससे क्वेश्चन करते हैं। मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ, आज ये सरप्राइज क्या लेकर आए? ये रिजोइनिंग मास्क है। अच्छा। इसका असल में इसकी हिस्ट्री कुछ यूँ है, जी जी, कि जब पुराने मिस्र की सोने का मास्क बनाकर खवातीन जो है ना चेहरे पर पहनती थी, सोने का, जी
जैसे ये मानस रखा हुआ ना, बिल्कुल चेहरे पे लगा के इस तरह खवातीन जो है वो क्लोपेट्रा बड़ी मशहूर रही है। तो हसीन तरीन औरत थी अपनी क्लोपेट्रा, है नाम, नाम तो सुना है। जी जी मलका। तो वो इस तरह गोल्ड मास्क फेस पे लगाने, इसका ताल्लुक ये होता है कि गोल्ड जो है उसमें नाजिन ये खसूसियत है कि वो नेगेटिव आयन जो है वो जिस्म में पैदा करती है, यानी ब्लड सर्कुलेशन जो है वो नॉर्मल करती है, आपकी जो पोर्स हैं उनको जो खुल जाते हैं उन पोर्स को भी शिंक करके उसमें ऑक्सीजन लेवल बढ़ाती है। अच्छा। और बायो सर्कुलेशन यानी खून की जो बारीक बारीक नसें हैं, नालियां हैं, जिनके सुकड़ जाने से आपके जिस्म चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाती हैं, वो उनकी सर्कुलेशन जो है ना वो नॉर्मल हो जाती है और इस तरह आपका जिल जो है वो जवान होना शुरू हो जाती है। ये मास्क दवाएं लगाकर। अच्छा एक एक रिक्वेस्ट है, मैंने प्रोडक्ट उठाने से मना किया लेकिन ये बहुत मजबूरी है, इसको आपको उठा के दिखाना पड़ेगा क्योंकि इसके प्रेशर, मुझे नॉलेज है कि थोड़ी की इसके प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, इसके बैक करेगी कोई आपको प्रेशर पॉइंट दिखा। Yes. तो ये है, देखिए इसका कुछ वजन है, इसका मतलब इसके इससे हटते ही नीचे। हाँ। इट्स ओके जी, ये फेस पे लगाते हैं। ओके। और इसकी बैक पर जो है ये आप देखिएगा, ये प्योर गोल्ड के इसके पॉइंट्स हैं। ओके। जो चेहरे पर जो है डिटेक्ट करते हैं। ओके। ये प्रेशर पॉइंट है, ये आपको पंचर टेक्नोलॉजी जो है इस पे यूटिलाइज की गई है, ये प्रेशर पॉइंट्स हैं और इसके अंदर जो है वो आप ये देखिएगा। ओके। ये फेस पर बाकायदा लगाया जाएगा और ये पॉइंट्स जो है डिटेक्ट करते हैं, इसके अंदर बैटरी लगी होती है और जो बाकायदा आपके पॉइंट्स पर जो है बाकायदा तौर पर इसको डिटेक्ट करके इसको एक्टिवेट करती है। अच्छा ये इसके ऊपर रहे कैमरा, मैं बात कहना चाहूंगी, ये जो बता रहे हैं ये कोई बिजली से कोई करंट नहीं है, जबकि इसके अंदर एक बैटरी डाली जाती है और आपके फेस के ऊपर कुछ पहले प्रोडक्ट लगा के ताकि आपके स्किन को थोड़ा सा वो रिलैक्सेशन मिले, फिर उसके बाद ये आपको कितने मिनट के लिए लगाना पड़ता है? 10 से 15, 20, 25 मिनट मुख्तलिफ एज के हिसाब से और स्किन के हिसाब से। फिर ये आपके प्रेशर, मतलब आपके कहने का मकसद है कि फिर सर्च करते हैं कि आपको प्रॉब्लम कहाँ पर, ब्लॉकेज ब्लड सर्कुलेशन वेंट्स कहाँ पर, ये फिर आपकी लाइनिंग जो है उम्र के साथ साथ पैदा भी हो जाती है वक्त के साथ जो आपको परेशान करती है, लाइनिंग को खत्म कर देती है। इसके में हम अपनी अस्करी मैजिक क्रीम का इस्तेमाल करते हैं, व्हाइटनिंग क्रीम होती है, ठीक है। इसी तरह हम मुख्तलिफ मास्क बना के लगाते हैं और जो चेहरे पे मास्क मुख्तलिफ लगते हैं उसमें इंतहाई कीमती हर्ब्स होती हैं, किंग ऑफ हर्ब्स होती हैं और इसका रैपिडली रिजल्ट निकलना शुरू हो जाता है और साथ साथ इंटरनल अस्करी ग्रीन खाते रहे। बिल्कुल देखिएगा ना, सिर्फ इसको फ्रंट इसका देखिए, जी जी, ये बिल्कुल एक ऐसी नायाब चीज है कि जिसको हम इस, मैं तकरीबन इसे 17 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ और मुख्तलिफ नौयत में ये हमारे पास मुख्तलिफ क्वालिटीज के आते हैं। और डॉक्टर साहब एक बार आपने माशाल्लाह ब्रीफ भी किया था, मैं भी नाज़रीन क्योंकि माशाल्लाह आज से नहीं, मैं अस्करी साहब से काफ़ी टाइम से एक हेल्थ के प्रोग्राम से रेलिवेंट गुफ्तगू होती रहती है और इनकी मैंने कुछ क्लासेस भी ली हैं और इसमें ये कि हमारे पूरी बॉडी पर प्रेशर पॉइंट होते हैं, अरे वो पाम ले आते हैं ना, बड़ा मज़ा आ जाता है, वो एक हाथ के ऊपर भी प्रेशर पॉइंट है, जैसे कुछ लोग कहते हैं इसको यू रब कह रहे हैं तो ये प्रॉब्लम नसें खुल जाती है, चेहरे के ऊपर भी प्रेशर पॉइंट होते हैं, हमारे पाँव के नीचे भी प्रेशर पॉइंट होते हैं, तो इसमें हकीकत है कि वाकई में एक ये सर्च करता है कि आपके कहाँ पर ब्लॉकेज है, ऐसा असल है कि हाँ बिल्कुल जी जी। असल बात ये है कि मैंने एमडी डॉक्टर मेडिसिन किया है एलोपैथिक में, 13-14 साल मेरी एलोपैथिक प्रैक्टिस अमेरिका में रही, एक्यूपंचर में क्वालिफाई किया है, ये तमाम तरीका इलाज जो है इंसानों की सेहत बका और फलाह के लिए है, तिब नबी पर, हर्बल साइंसिस पर बाकायदा डॉक्टरेट मैंने किया, वहाँ पर पढ़ाया कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में और इसी तरह मेरा शोभा जात में अल्टरनेटिव मेडिसिन भी रही और होम्योपैथिक क्वालिफाई किया, तमाम मेडिकल साइंसिस जितनी भी हैं उन पर साइंसिस पर मेरी रिसर्च रही है और बाकायदा कुछ पेपर भी वहाँ मेरे छपे हैं। हर्ब्स के ऊपर आपने बहुत काम किया है। जी हाँ जी हाँ बिल्कुल, असल में बुनियादी काम जो है इस दुनिया भर में वेस्ट में क्रेज है ये हर्बल साइंस, हकीकत वो प्रेफर करते हैं कि सबसे पहले हम हर्बल डॉक्टर के पास जाए। आजकल बात यह है कि एक और चीज जो मुझसे लोग पूछते हैं कि जी हर्बलिस्ट में और हकीम में फर्क क्या है, बाज़ लोग अपने आप को हर्बलिस्ट कहते हैं, कहते हैं हर्बलिस्ट हैं हम, हकीम नहीं है। अच्छा। तो मैंने कहा बुनियादी चीज़ बेटा बात यह है कि आप जब
वेस्ट में जाते हैं तो आपको हकीम के नाम से लोग नहीं पहचानेंगे। जी जी। इंग्लिश में हकीम को हर्बल हर्बलिस्ट कहा जाता है। जी जी। हर्बल साइंसेस का माहिर। अच्छा। जी। और इसी तरह हकीम अरबी में हकीम है, उर्दू में भी हकीम है, तबीब भी कहा जाता है। तो चीज ये है कि आपको किस तरीके से आप परफेक्ट हैं, आपके पास जो पेशेंट, जो असल बात में आ रहा हूँ, एक पेशेंट आता है जब आपके पास तो वो अपनी स्किन को लेकर आता है और उसका उसकी कोशिश होती है कि मुझे जल्द अज जल्द कम अज कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा जो है वो आपको जो है फायदा दिया जाए। अब देखिए ये जी, है जो हमारा स्प्रे है, उठा लें दिखाएं, दिखाएं। कुछ चीजें आपको तो बड़ा हो दिखाना। बिल्कुल, ये इसमें मेथाथियोन है और ये ओरल हम देते हैं। इसका मतलब ये है कि जो मेथाथियोन इंजेक्शन लगते हैं उनके हार्मफुल रिजल्ट आ रहे हैं। हाँ जी। ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है और ये बड़ी जदीद टेक्नोलॉजी के तहत तैयार किया गया है। ठीक है। इसके सिर्फ ओरल यानी जुबान के नीचे 2 से 3 स्टिप लेते हैं और ये बड़ी जल्दी जो है वो आपकी बॉडी को वाइटिंग की तरफ ले आना शुरू कर देता है। मैंने और आपने मिलके ना लोगों के दिमाग से इंजेक्शन खत्म कर ही देंगे। बात ये है कि जिसके हार्मफुल जो फायदे के साथ नुकसान ज्यादा दे रही हो दवा, वो उसको आप समझे कि वो लाजमी बात है कि वो आपको एक मर्ज दूर करके आपको 4 मर्ज आपकी साइड इफेक्ट, साइड इफेक्ट ही है ना उसके फ्यूचर में। बिल्कुल ठीक है। कोई भी शख्स जो है वो इस चीज को समझता है कि फायदे के साथ जो चीज नुकसान दे रही है उसके बजाय वो चीजें इस्तेमाल कीजिए जो 100% जिसका रिजल्ट हो। तो ये आपकी पूरी बॉडी को वाइटनिंग करने के लिए। अच्छा, इसको डॉक्टर साहब ने बताया था पिछले प्रोग्राम में भी, आप रिजल्ट का बताइए। इसका वही बता रहा हूँ कि इसका जुबान के नीचे ये स्प्रे है और इसको जुबान के नीचे स्प्रे करें। मेथाथियोन जो है ओरल में जाएगा, फौरी तौर पे आपके लीवर फंक्शन को बेहतर करेगा, आपकी बॉडी में एनर्जेटिक पैदा करेगा, रेड सेल्स और समझे वो एक्टिवेट होंगे, उसके अंदर पावर आएगी और यूं आपका वाइटिंग की तरफ आप जाना शुरू हो जाएंगे। ये लीवर को बेसिकली तौर पर लीवर को एक्टिवेट करते। अच्छा, ये एक बॉटल में कितने ये स्टेप्स हैं या जो भी है हम स्प्रे करते हैं? ये एक स्प्रे से 1.5 से 2 महीने बहुत आराम से, यानी कि आपका भी स्लो प्रोसीजर में जो है वो रिजल्ट भी अच्छा आ जाएगा, वो बेहतर होगा। स्लो नहीं है, बड़े रैपिडली इसके अंदर जो ना 7-10 दिन में काम शुरू हो जाता है। वाली कहते हैं कि जी आपके विदाउट एनी साइड इफेक्ट, विदाउट। तो अब बात यह है कि अब आ जाते हैं कि कुछ मैं टिप्स बता देता हूँ। sure, sure. कि जो आपको नाज़रीन जो घर में बैठे हुए हैं वो टिप्स का बड़ा शौक होता है कि हमें कुछ ऐसे टिप्स मिल जाएं जिससे हम घर बैठे भी कुछ जल्दी मसाइल हल कर सकें। नाज़रीन बात यह है कि आजकल जिस मौसम में आप गुजर रहे हैं, इस मौसम के फल आप लीजिए। अभी आड़ू आ रहा है, आड़ू का जो है छिलका वो उसको मैश कीजिए। मैश करने के बाद उसको उसके अंदर जो है आपने हुस्ने यूसुफ ये शामिल कीजिए और किरमली, ये जड़ी बूटियां बाजार से बहुत आराम से मिल जाती हैं। यानी अब मकदार में बता देता हूँ कि तकरीबन 2 से 3 आड़ू उनका छिलका जो है वो आप उसको ग्राइंड करके उसके अंदर 5 ग्राम हुस्ने यूसुफ और किरमली 5 ग्राम ये शामिल कीजिए और उसको खूब अच्छी तरह मिक्स करके लिप पेस्ट बना ले और रात को सोते वक्त और सुबह या सुबह सुबह आप उस पेस्ट को चेहरे पर लगाएं। अच्छा, पेस्ट लगाने से पहले अगर हमारा ये अस्करी मैजिक सोप आप इस्तेमाल करते हैं, ये नाज़रीन मैं उठा के दिखा रहा हूँ, ये अस्करी मैजिक सोप जो है इसका ताल्लुक क्या है, ये इंतहाई कीमती हर्ब से तैयार है किया गया है। इसके अंदर मशरूम डले हुए और इसके अंदर एलोवेरा है और ये बाकायदा तौर पर जब चेहरे पर लगाते हैं आप तो इसको अच्छी तरह रब करेंगे चेहरे पर। इसी सोप को लगाने के बाद आप 10 मिनट रुक जाएं, उसके बाद फेस वॉश कर लें जी। इसके बाद ये मास्क लगाएं जो मैंने आपको बताया, ये जब मास्क लगाएंगे तो उसके से बड़े अच्छे रिजल्ट इस पर आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, कील छाइयां दाग धब्बे ये बड़ा मसला है बच्चों के चेहरे पर, इसके लिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्या आपका पेट का निज़ाम दुरुस्त है नहीं है, इसीलिए आपके चेहरे पर दाने झाइयाँ झुरियाँ पैदा हो रही हैं। अब ख़वातीन का ख़ास तौर पर हार्मोनल सिस्टम डिस्टर्ब रहता है जिसकी वजह से उसके सारे असरात चेहरे पर पड़ते हैं और स्किन जो है वो मल्टी कलर होना शुरू हो जाती है, यानी एक ही चेहरे पर 3 से 4 5 किस्म के रंग जो है वो नमूदार होते हैं।
ये सबसे बड़ा मसला कब्ज की सूरत में भी होता है, जिन खवातीन को कब्ज रहती है या जिन बच्चों को कब्ज रहती है, फौरी तौर पर कब्ज रफा करने का इंतज़ाम करें। इसमें इसबगोल का छिलका ये सुबह निहार और शाम शरबत बुजूरी के साथ इस्तेमाल करें, और अगर हार्मोनल प्रॉब्लम है तो आप फौरी तौर पर अपने वालिद से डिस्कस करें और या मुझसे रब्ता कीजिए। मेरी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं उन नंबर्स को आप नोट कर लीजिए जी, मुझे व्हाट्सएप कीजिए, अपनी रिपोर्ट्स भेजिए। आपको उसी वक्त जो है, और जब रिपोर्ट भेजें नाजिर तो मुझे कॉल करके ज़रूर बताइए कि हमारी रिपोर्ट है, या वॉइस मैसेज में मुकम्मल तफसीलात अपने मर्ज़ से मुतालिक बताइए। मैं इंशाल्लाह फिर उसके मुताबिक आपकी दवा तजवीज़ कर दूँगा। ये दवाएँ जितनी भी हमारी प्रोडक्ट पड़ी हुई हैं ये मार्केटिंग हम नहीं करते, ये बराह रास्त होम डिलीवरी के ज़रिए पूरे पाकिस्तान में जाती हैं, और इसी तरह कराची में हमने होम डिलीवरी जो है वो ऑनलाइन कैश पर भी रखी हुई है। ठीक है, और जो अच्छा जैसे आपने मास्क की बात की है, ऑफ कोर्स सैलून्स जो हैं वो भी रख सकते हैं इसको, और दूसरा फेशियल करने का बहुत ज्यादा होता है, 15 दिन बाद लोग करवाते हैं, गंदी हो जाती है ना स्किन हमारी, क्योंकि समंदर है तो बहुत हवा ऐसी है तो वो चिपचिप सी होती है, स्किन की गंदगी सी हो जाती है। आपके पास है एको ट्रेजर, पिछले प्रोग्राम में लोगों ने बहुत सारे सवाल किए थे, तो जो स्किन के ऊपर ये उठा ले उठा, उठा के लिए है, मैं आपको इसकी जरा से बताएं टेक्निक, अब आराम से उठाइए प्लीज, दिमाग के होने लगे स्क्रीन साहब के आते हैं। हाँ, वो चीजें जो है बिल्कुल जी, ये एकोटेजर है, इसको इसी एकोटेजर जो है ये बहुत इफेक्टिव है बहुत सारे मसाइल में, स्किन प्रॉब्लम में, ये आपके पट्ठों के जोड़ों के जो दर्द है उसको, बस ये लेजर है समझ ले किस्म का, जी हाँ जी, विदाउट एनी इलेक्ट्रिशियन, जी हाँ, ये इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, इसमें बाकायदा चार्जिंग किसकी की जाती है और इसमें बाकायदा स्पार्क निकलते हैं जो कि बड़ी बहुत तेज होता है स्पार्क, और जो कि फौरी तौर पर आपकी ब्लॉकेज को खोल देता है, ब्रेन ब्लॉकेज है, स्किन ब्लॉकेज है, स्पाइनल कॉर्ड सर्वाइकल की ब्लॉकेज है, इसी तरह आपकी जोड़ों के दर्दों में ये बड़ी जबरदस्त चीज है। इसको फिल वक्त में मैं आपको बताता हूँ, ये स्किन पर हम मुख्तलिफ इसकी लाइनिंग जो है स्किन लाइनिंग ख़त्म करते हैं और इसको बाकायदा तौर पर जो है वो हम आपको ये देखिएगा नाज़रीन, ये मैं निकाला है और ये स्किन का एक ये स्किन पॉइंट्स को बाकायदा ये करता है। अच्छा, इसके अंदर एक खास आपने बताया था स्टोन लगा हुआ है इसके अंदर, ये क्या इसके ऊपर जो लगाया, हाँ, खास इसमें ये कहते हैं कुछ, हाँ, खास इसके अंदर जो है इसके अंदर स्टोन लगे हुए हैं, ठीक है, और ये स्टोन जो है ये बायो एनर्जी को आपकी जो है वो एक्टिव करते हैं, खून ब्लड से पहुंचाते हैं, ठीक, और कुछ स्टोन ऐसे हैं जो आपको आपकी लाइफ को बढ़ा देते हैं, स्किन लाइफ को बढ़ा देते हैं, जबरदस्त। इसमें रिजोनिक स्टोन है समझे, जो कि आपको नाजिद आप अगर इसके बारे में मालूमात करना चाहेंगे तो गूगल पे बाकायदा, बल्कि एक और बात बताओ स्क्री साहब ने अभी बताएंगे वो भी कि इनके जो ये हमारी ब्लड सर्कुलेशन अगर अल्लाह ना करे किसी की बॉडी पैरालाइज हो जाए उसके बारे में हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, पूरी बॉडी के ऊपर भी अगर आप ब्लड सर्कुलेशन एक्टिव करना चाहें तो एक मैट्रेस है जिसके अंदर पूरे स्टोन होते हैं वो भी आपके ब्लड सर्कुलेशन को एक्टिव करते हैं, एग्जैक्टली वो एक्टिव ये भी करते हैं। फिर आपको अगर 8 से 10 घंटे आप सोते हैं हाय 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 तो फिर आप यानी उसमें सिर्फ 1.5-2-3 घंटे के अंदर ऐसे फ्रेश और एनर्जेटिक हो जाते हैं कि आपको यानी ये आपका पूरी बॉडी को रिलैक्स करती है, बॉडी में जो आपके सेल्स हैं यानी उन सेल्स को उसको चार्ज कर देती है, बड़ी बात को जिस तरह मोबाइल चार्ज हो जाता है बुढ़ापे में, जी हाँ बुढ़ापे में लोग स्लो क्यों हो जाते हैं, नहीं असल में जो लोग रोजाना डेली वर्किंग करते हैं ना थक जाते हैं ना ज्यादा, उनके एनर्जी चैनल जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से बुढ़ापे में लोग बिल्कुल स्लो मोशन हो जाते हैं। और बात आज हम करें स्किन के ऊपर, ये लीजिए पॉइंट्स है, मैं ये दिखा रहा हूँ, एक और पॉइंटर है, ये बाकायदा तौर पर स्किन पे रखा जाता है, मुख्तलिफ पॉइंट पे रखा जाता है, उससे बड़ी जल्दी जो है चेहरे के जो ताजगी और शगुफ्तगी, बस आपने बेड़ा उठा लिया खूबसूरत करने का हमारी खवातीन को जी। जो खूबसूरती है इंसान की कमजोरी है, बिल्कुल होनी चाहिए ऑफ कोर्स, इंसान तीन चीजें तो बड़े उसका हसरत रहती है कि हसीन, ताकतवर और मालदार। अच्छा ये तो हो गया, लेकिन एक बात, मौसम बहुत गर्म है और लोगों को बहुत ज्यादा स्वेट पसीना बहुत ज्यादा आ रहा है और वो बगल के नीचे या हम लोगों की थाइस के ऊपर, और मर्द हजरात बेचारे जो बाइक चलाते हैं जो
कुछ वर्किंग ऐसी थी जो फैक्ट्रीज में भी होते हैं, तो उनको पसीना गर्दन पे, किसी ने अबाया पहना हुआ है सर पे, तो ये उसके लिए वाकई एक बड़ा मसला होता है। लेकिन चूंकि इस गर्मी से बचना भी है और आपने रिस्क भी कमाना है, मोटरसाइकिल पे लोग निकलते हैं, गाड़ियों में निकलते हैं, तो बात ये धूप में बसों बस स्टॉप पे खड़े हुए हैं। पर मैं आपको इसका हल बताता हूँ। ये नाज़रीन, ये हमारा लोशन है जो फेमिनाइन के नाम से है, ख्वातीन के लिए है, और ये मस्कुलाइन है, जिनकी बाकायदा चेहरे पर रैशेज पड़ जाते हैं, गर्दन पे रैशेज हो जाते हैं, थाइस पर खास तौर पे वो स्याह माइल हो जाते हैं, आपके बगलें काली हो जाती हैं और पसीना बहुत बदबूदार आता है। आप इसी क्या करता है कि ये आपके जो स्किन के पोर्स में से ऑक्सीजन लेवल बढ़ाता है, पोर्स में से आप टॉक्सिन्स निकालता है, जहरीले मादे निकालता है, और ये बाकायदा तौर पर आपको फ्रेश कर देता है, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, समझिए, और एंटी वायरस है। बॉडी में जहाँ कहीं भी कहीं आपका वायरस वगैरह कोई रैशेज है और स्किन प्रॉब्लम है, मसलन ये सोराइसिस में भी चंबल, सोराइसिस, दाने, झाइयाँ, जुरियाँ, इनको और बालों में जब लगाते हैं तो बालों में से जुओं का खात्मा भी करती है। ओके, अच्छा एक तो, और इसकी बड़ी अच्छी वो आपने बताई थी, वो मैं नाज़रीन आपको बताऊं कि हकीम साहब वो बताइएगा, वो जो इसका जो आपने बताया था जिनको पाइल्स प्रॉब्लम। एग्जैक्टली, लास्ट टाइम भी नाज़रीन मैंने बताया था ये फेमिना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इसको दोबारा रिपीट करता हूँ कि ये मस्कुलाइन और फेमिनाइन जो दो लोशन मैंने दिखाए हैं, ये दोनों लोशन जो है वो मेल के लिए है, ये फीमेल के लिए है। तो फीमेल और मेल के जो प्राइवेट पार्ट्स हैं, मतलब है कि वजाइनल में जो प्रॉब्लम्स आ जाती है, यानी आपके इंटरनल इन्फेक्शन जो हो जाती है, यूरिन लेकोरिया की वजह से ज्यादा हो जाता है, स्टूल पास करने में तकलीफ होगी। बिल्कुल, लेकोरिया के पेशेंट्स हैं या उनको इंटरनल इन्फेक्शन हो जाता है, हड्डियों का पानी निकलना, बिल्कुल ठीक। तो उसमें और पाइल्स में खास तौर पर ये अजाबत वाली जगह पर जो है वो अंदर की तरफ आप दो तीन दफा लगाएं, रात को सोते वक्त लगाएं, तो सुबह आपको बहुत सुकून मिलेगा, आप दिल से दुआएं निकलेंगी कि आपका दर्द जो है वो 24 घंटे में आपका खत्म हो गया। अच्छा, ये कॉन्स्टिपेशन जिनको कब्ज रहती है, वो आप अपने स्टूल पास की जगह पर अगर रात को लगा के सोएंगे तो सुबह आपको हाजत में तकलीफ नहीं होगी। मैं एक और चीज बता रहा हूँ। जी जी बिल्कुल, ये मैजिक, मैजिक ये हमारी बड़ी जबरदस्त चीज है, अस्क्रीम मैजिक करीम, और ये बहुत लाजवाब चीज है, ये भी एक्सटर्नल यूज में है और ये तकरीबन 100 डिजीज में काम आती है। मेरी जितनी प्रोडक्ट है वो सिर्फ एक मर्ज के लिए नहीं है, इसमें क्वालिटी ये है कि ये कई मराज को कंट्रोल करती है। आप भी तो जड़ से बात पकड़ते हैं, तो फिर यही होगा ना, 10 चीजों को ठीक करेगी। बिल्कुल, बात ये है कि ना देखिए, एलोपैथिक अद्वियात में नुकसान क्या है कि वो एक मर्ज को ठीक करती है और 10 मराज पैदा करती है। ये एक मर्ज को ठीक करके 10 पैदा हुए इमराज को कवर कर जाती है। क्या समझिए ना, ये आपकी ये शहरक पर और कैविटी आर्टरी पर जो है ये लगती है, आपकी गर्दन के मोहरों पर भी लगाते हैं, इससे पूरी बॉडी का ये कम्युनिकेशन सिस्टम बहाल होना शुरू हो जाता है, रुकावटें ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं, ब्लॉकेज ख़त्म होना शुरू हो जाती है, ये फौरी तौर पर खून में हल होती है। नैनो टेक्नोलॉजी के तहत ये तैयार की गई है करीम, और इसमें स्किन लिफ्टिंग का बहुत जबरदस्त इसका दखल है। ठीक है, रिंकल्स आंखों के नीचे पड़ना, आंखों के रिंकल्स हैं, पिंपल्स हैं, स्किन लूजिंग को खास तौर पर ये लिफ्टिंग करती है, स्किन को लिफ्ट करती है। और फिर दूसरा के जो नस्वानी हुसन की ब्रेस्ट का मसले होते हैं, ब्रेस्ट कैंसर में होते हैं, ब्रेस्ट लिफ्टिंग करती है। अगर ब्रेस्ट जो है अपनी नॉर्मल साइज से बड़े हो जाते हैं तो उसकी एक्स्ट्रा फैट सिर्फ यहाँ लगाने से खत्म हो जाती है, सिर्फ यहाँ लगाने से। Exactly. ये खाने की नहीं है, लगाने की, ये लगाने की। अच्छा, लगा हमें स्किन के ऊपर भी लगा सकते हैं, वैसे चेहरे पे भी, स्किन के लिए स्किन पे लगाएं और यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज ये गर्दन है, थायराइड के लाएंगे, रीढ़ के मोहरे हैं, थायराइड को खत्म करती है। और इसी तरह ये अब आगे आए तो अगर जहाँ पर शुगर के मरीज भी होते हैं, हम उन्हें कहते हैं कि इसे आप अपने इस पे पैनक्रियास यानी लुबलुबे पे लगाएं, लिवर पे लगाएं, तो उससे भी बड़े अच्छे रिजल्ट आना शुरू हुए। और कैंसर के मरीज खास तौर पर, ऑल काइंड ऑफ कैंसर प्रॉब्लम्स, इवन के ब्रेस्ट कैंसर, लिवर कैंसर, क्या नाम रखा है, मैजिक, क्या क्रीम का नाम है, मैजिक क्रीम, सही नाम लिख दिया, सही नाम रखा, मैजिक है, मैजिक है, यकीन करें ये सारे प्रोडक्ट पे भारी हो गई है ना। जी जी, मेरी हर दवा एक नहीं कई कई मरीज को कवर कर जाती है।
अच्छा इसमें पाइल्स को भी कवर, पेशेंट पाइल्स के पेशेंट है, पाइल्स के लिए भी मेरे लिए लेकर आए, इन्फेक्शन मैं जाने नहीं दूंगी। तो ये किसके लिए? हाय अल्लाह, सो स्वीट, थैंक यू सो मच, जज़ाए खैर। तो अब बात ये कि इस, हाँ इसमें एक और जबरदस्त चीज ये है कि भेंगापन, जिन लोगों की जो है really? आंखें टेढ़ी होती है, भेंगी भेंगी होती है, ये उसको 100% इसका भी रिजल्ट है। मतलब ड्यूरेशन थोड़ा टाइम लगेगा, जल्दी ठीक। बात ये है असल में इसकी टेक्नोलॉजी को समझ लें, बताए ना इसकी टेक्नोलॉजी ये है कि ये फौरी तौर पे खून में हल होकर ये खून की नालियों को खोलना शुरू हो जाती है, ब्लॉकेज खत्म करती है, कुव्वत समात के लिए बहुत लाजवाब है, कानों के गिर्द और कानों के लगाए तो ऊंचा सुनने वाले जो है वो उनकी नॉर्मल समात होना शुरू हो जाती है। नहीं नहीं, वो कान में दर्द होता है, फिर जोर से जब खत्म हो जाएगा। अच्छा, बिल्कुल चले फिर आगे चलते हैं। इसी तरीके से नाक की अगर हड्डियां गोश्त बड़ा होता है तो वो लोग अक्सर डॉक्टर कहते हैं कि हड्डी बढ़ गई है, ऐसे तो करके नाक के ऊपर लगाएंगे, नाक के अंदर भी लगा लेंगे। अच्छा ठीक है, तो नाक के अंदर जितने भी प्रॉब्लम है नाक के उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दी है। नाज़रीन इमेजिक क्रीम जो है तकरीबन 100 डिजीज में 100 प्रॉब्लम्स, आई साइड भी टीक करती होगी, जब आंखों के ऊपर लगाएंगे तो आंखें रोशनी तेज हो जाएगी। मैंने भी कहा ना जो टेढ़ी आंखें भेंगापन होता है जब उसको नॉर्मल कर रही तो आई साइड ये आपके हाथ में क्या कर रही है, दे देना मुझे, क्यों तरसा रहे उधर नाज़रीन देखने वाले पागल हो रहे होंगे कि जल्दी से हमारे पास ये आ जाए। हाँ जी इंशाल्लाह, बात ये है कि मेरा जो नंबर चल रहा है इसकी वैसे रीजनेबल कॉस्ट है, आप मैसेज कीजिए और ये होम डिलीवरी हम बड़ी कुछ खास। इसके असल कीमत है 18,000। अच्छा, तो ईद पैकेज में हमने इसको 6,000 का डिस्काउंट दिया है, 12,000। रियली? एग्जैक्टली। अच्छा, लेकिन ये कितनी क्वांटिटी इसकी? बहुत, ये चने के दाने से भी छोटी थोड़ी यूज करनी है। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक बोतल तकरीबन 1 महीना 1.5 महीना 2 महीने बड़े आराम, लेकिन आपके 100 मसले हल हो जाएंगे। बिल्कुल 101 मसले, आपको वो मसले भी हल होंगे जो आपको मुस्तकबिल में नजर आएंगे कभी। मैं तो कहती हूँ जो रात को आपने बताई थी ना सभी, आपको पता भी, वो रात वाली बात मुझे याद है कि डॉक्टर साहब ने कहा कि इसको सिर्फ नाफ में लगा लोगी सारी जानी छूट जाएगी। बिल्कुल, नाफ हमारा मरकज है, नाफ हमारे पैदा होने से पहले ग़िज़ा का खुराक की नाली। जी हाँ जी, तो नाफ सेंटर है बॉडी का, उस पे तो जरूर लगाएं रात को सोते हैं। नाफ में तो मैं कहता हूँ ये भी लगाएं, जैतून का तेल नाफ में लगाएं रात सोते वक्त जो है, नाज़रीन पैरों पे मसाज करें जैतून का, एक्स्ट्रा वर्जन के 2-3 चम्मच आप पीजिए रात सोते वक्त, सुबह पीजिए। और लोग कहते हैं जी ये तो गर्म होता है और इतनी गर्मी में, नहीं, इसलिए सर्विस हर ताकतवर चीज जो है जो ताकत देती है जो उसको हम गर्म कहते हैं। और ये वाकई कुछ लोगों के लिए हार्मफुल होगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बूढ़े बूढ़ों के लिए और बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए ये बहुत लाजवाब है। पीना इतने सारे नहीं, आप थोड़ी क्वांटिटी लो, आप किसी चम्मच भर भर के पीने को कहा। Exactly. वो समझ नहीं, लोग कहते थोड़ा मौसम के लिहाज से आप चले, दूसरा ये टीस्पून पी लें, इसका मसाज भी आप रखिए। सर एक बात बोलूं, ये आपकी जिंदगी का आज मेरा जुमला याद, नाज़रीन सुन लीजिए आप लोग, अस्करी साहब की जिंदगी का निचोड़ अस्करी मैजिक क्रीम। हाँ, हमारे जितने भी खानदानी तजुर्बात जो इस वक्त दौर से गुजरे 11 नस्लों का एक निचोड़ होता है, जो चीज आपको सीना बसीना जो नुस्खे मिलते हैं, जो इल्म मिलता है, वो आपको किताबों में नहीं। बेशक बेशक, इसमें कोई, लेकिन इसके जिस तरह आपने फायदियत इतनी सारी प्रोडक्ट, बेशक इनकी अस्करी ग्रीन भी है कैप्सूल में, लेकिन इस क्रीम जो इन्होंने क्रिएट की है, और ऑफ कोर्स एक हर्बलिस्ट होता है वो कुछ ना कुछ उसके जहन चलता रहता है, डिफरेंट पेशेंट से मुलाकात होती है, फिर लोगों की प्रॉब्लम्स उनके सॉल्यूशन कहीं ना कहीं वो सोचता है कि मैं अब इन लोगों के लिए क्या हल निकालूं, तो एक ऑलराउंडर कहते हैं यार ऐसी चीज़ निकालूं जिसमें वो उठते बैठते हर तरह का पेशेंट उसे इस्तेमाल करे, और बेशक उसको कोई प्रॉब्लम ना भी हो लेकिन आने वाले फ्यूचर में वो अपने आप को सेव कर ले। तो हकीम अस्करी साहब मौजूद है, आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। अस्करी साहब माशाल्लाह आपकी तमाम प्रोडक्ट तो है ही है, कोई ऐसी और मजीद बात जिसमें आप कहते हो कि इस नॉलेज दे देनी चाहिए? जी जी, अस्करी ग्रीन जो है हमारे। अच्छा, मैं तुम्हारी कॉलर इजाजत है, कॉलर जी जी बिल्कुल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलीम बेटा, आप मैंने सिर्फ महमूद बात कर रही हूँ, बहुत टाइम के बाद मेरी आपसे बात हुई। जी आप कैसी हो मेरी प्यारी बहन? रमजान आपका प्रोग्राम मिलता है, आप नाम देख रही तो हकीम साहब आएंगे। मुझे अच्छी बात ये पूछना, मेरी बहन को हर्निया की तकलीफ है और उसके जिस्म में लड़ रहा,
आपकी आवाज वो है, वो आवाज कट रही है थोड़ी ना आपकी ना, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले कॉल्स तो सही आ रही थी, आपकी प्रॉब्लम आपके फोन में हो रही है थोड़ा। अच्छा, मैं कह रही मेरी बहन को हर्निया की तकलीफ है, हर्निया और जी, और उसके ना जिस्म में दर्जा बहुत है, जैसे डायबिटिक वालों को अमूमन हो जाता है ना दर्जा आ रहा होता है, कप कप आ रहे होते हैं। उम्र क्या है उनकी, उम्र क्या है मेरी बहन? 53 56 56। अच्छा उनको ये शुगर कब से है? उनको शुगर नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब क्लियर है, लेकिन वो ठीक नहीं हो पा रही है। हाँ मैं समझ गया हूँ, उनको कह रही हर्निया का प्रॉब्लम है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। बॉडी में शिवलिंग रहती है, ठीक है, यानी जिसम कांपता है। आप कराची, ये कराची से हैं? जी जी कराची। अच्छा ठीक है। अच्छा खातून ये मैं भी कराची में हूँ, और कुछ दिनों में मैं लाहौर, इस्लामाबाद, पिशावर और इस तरह से मेरा दौरा रहेगा मुख्तलिफ शहरों का, तो आप कराची में मेरे मतलब में उन खातून को ले आइए, उनकी रिपोर्ट्स भेज दीजिए, और बाय मैं इसी तरीके से ऑनलाइन चेकअप भी करता हूँ मरीजों को, और आप अगर ऑनलाइन चेकअप करवाना चाहती हैं तो ऑनलाइन चेकअप भी करवा सकती हैं, हम होम डिलीवरी मेडिसिन कर देंगे। तो ये तो मैंने इन खातून को राय दी है, क्योंकि मसला इनका ऐसा है कि उनको मरीज को चेकअप के बगैर विदाउट कुछ सजेस्ट नहीं कर सकते कि उनको क्या। तो इनका व्हाट्सएप नंबर है, इनका नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, आप इनको ना कुछ डिटेल या फोन पे कुछ देखे, लाइव शो में कुछ बात नहीं की जा सकती ना, तो वो आप थोड़ा डिटेल देंगे तो ये एक कम्प्लीट डेटा आपसे लेंगे, उसके बाद वो सजेस्ट करेंगे ना, वो दी बेस्ट होगा, ठीक है, सही है ना डॉक्टर साहब? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अब मैं अस्करी ग्रीन के बारे में बता रहा था, देखें ये भी मेरी बड़ी अमेजिंग प्रोडक्ट पड़ी हुई है। जी हाँ उठा लीजिए, अस्करी ग्रीन है नाज़रीन, ये अस्करी ग्रीन पैकिंग में है, ये इसमें 60 कैप्सूल होते हैं, ओके, और हर कैप्सूल जो है उसमें 22,000 न्यूट्रिशन है, ठीक है, 22,000 न्यूट्रिशन का मतलब ये है, और ये FDA से अप्रूव्ड है, दुनिया का बेहतरीन इम्यून सिस्टम है। देखिए मेरे काम दो पॉइंट्स पे होते हैं, एक तो बॉडी में एनर्जी चैनल्स को एक्टिवेट करना, ठीक है, दूसरा आपकी बायो सर्कुलेशन को बेहतर करना, गुड है, तीसरा आपकी ब्लॉकेज को खत्म करना, ठीक है, चौथा आपका इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना। कुव्वते मुदाफ़त स्ट्रॉन्ग होगी तो ऑफकोर्स बिल्कुल, आप थोड़े थोड़े बस थक जाएंगे तो फिर तो बंदा काम ही नहीं कर सकता। जिस्म में आपका मुदाफ़ती निज़ाम रेजिस्टेंस बार या इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा तो बहुत सारे इमराज खुद ब खुद ये आपका दिफाई निजाम मजबूत हो जाता है, होना का मतलब ये है सर, नाम नजर नहीं है जिस्म में छुपे हुए पोर्टल ऐसे पकड़े नाम नजर है, नाम ये अब सही, अच्छा मौजूद मर्ज जो है जी जी वो आप खत्म हो जाए। अच्छा फ्यूचर में पैदा होने वाले भी ऐसे इमराज वो इसका खुद ब खुद कलाकामा कर देता है, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, आपका दिफाई निजाम मजबूत है, हर वर्ष का मुकाबला करने के लिए बॉडी अगर तैयार है तो फिर ये आपको आपके लिए बाकायदा तौर पर एक नेमत खुदावंदी है। और इसमें हम जी हर किस्म के जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर देते हैं, जो बे औलाद लोग हैं वो उनके लिए भी कामयाब ये तजर्बात हुए हैं, उनकी बड़ी जल्दी कंसीव हुआ, और इसी तरीके से नाजिन ये चीज़ें जो हमारा अस्करी गोल्ड है ये जिगर और मैदे की इमराज के लिए लाजवाब है, और हेपेटाइटिस ABC के लिए ये बहुत जल्दी इसको और फौरी तौर पर आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को नॉर्मल करना शुरू कर देता है। okay. हमारा अस्करी वाटर है, अरे ये तो बड़ा जबरदस्त, ये कयामत खेज चीज है, ये मुझे आपने दिया था, मैं सच बता रही हूँ, दो कतरे मैं पानी में डालती हूँ, थोड़ा गले में गार्गल करती हूँ, तो ऐसे वो एक तो इसमें कुछ पता नहीं मेंथोल है क्या है वो मेरे गले को रिलैक्स, जिसमें 12 इसमें 17 किस्म के सब मौजूद है, एक्सट्रैक्ट मौजूद है मुख्तलिफ, ये भी जो है ये फौरी तौर पर जो है चेहरे की झाइयों को भी खत्म करती है फौरी तौर पर, अगर इसको नजला खांसी ये समझे, ये अगर आपकी जेब में है तो 101 के मर्ज की दवा आपके पास। अच्छा कभी कभी मैं ऐसे करती हूं, कोई गलत तो नहीं, जब जेब में ऐसे करके पानी का यूं करके स्किन पे लगा देती हूं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं? नहीं सही है, रियली बहुत अच्छा। अच्छा अच्छा, और ये आपका ये समझे आपकी जेब में है तो ये आपका ये समझे कि आपका डॉक्टर आपकी जेब में है, आपके बहुत सारी मराज चोट लग जाए, कोई एक्जिमा हो जाए, किसी का मसला है, समझे ना, बिल्कुल ये इसके ऊपर लिखा हुआ 101 अमराज की एक दवा। मेरी जितनी प्रोडक्ट हैं ये बड़ी अमेजिंग प्रोडक्ट है और बड़ी साइंटिफिक अंदाज में तैयार की गई हैं, और इसकी फार्मोलाइजेशन में हमने बहुत ये चूंकि हम बड़ी कम मकदार में इसकी मांग बहुत ज़्यादा है तो हम मांग पूरी नहीं कर पा रहे होते, तो यही वजह है कि हम मार्केटिंग भी नहीं करते, और मार्केटिंग ना करने का वजह यह है कि हमारा
एक तो फ्रेश माल जो है खबर सब तक पहुंचे, खवातीन तक पहुंचे, और फिर उसका रिजल्ट जो है वो हमें बराह रास्त मरीज जब बताता है तो उससे हमें बड़ा एनर्जी मिलती है कि हमारा मरीज जो है बड़ी जल्दी ठीक ठाक हो गया। तो ये तो प्रोग्राम के दौरान में जो मैंने कुछ प्रोडक्ट बताई हैं, इसके साथ साथ मैं दो कहवे बता दूं अगर टाइम है। बिल्कुल, आप कहवा बता देता हूँ नाज़िम। सुहांजना लीजिए, एलोवेरा लीजिए, और इसको सुहांजना जो है वो तकरीबन 10 ग्राम सुहांजना पत्ते पीस कर, आजकल सुहांजना का पहचान ये है कि दरख्त पे बहुत छोटे छोटे सफेद फूल आए हुए हैं, वो दरख्त जगह जगह लगे हुए हैं, पूरे पाकिस्तान में सुहांजना मौजूद है, तलाश करने में मुश्किल नहीं है। आप इसका सुहांजना जो है इसका जड़ पत्ता फूल ये सब खाने के लिए, ये नेक्स्ट में इंशाल्लाह डिशेस बनाएंगे, सुहांजना की भी एलोवेरा की डिशेस बता के बताएंगे। इसी तरह पत्थर फालिक है, उसका मैं आपको जूस बताऊंगा, और बहुत सारी चीजें हैं इंशाल्लाह। मैं कोशिश है कि आपको किसी वक्त अगले फ्राइडे को हम लोग किचन में कुछ अच्छा ही कुछ प्रेजेंट कर देंगे, क्योंकि सुहांजने की बहुत सारी फातियत है, सीजन भी है, उसकी फलियां, उसकी जड़, अचार बनता है। अच्छा, मैं वो कावा बता दूं। कावा तो रह जाएगा, जल्दी बता दीजिए। बड़े बेचैन है कि कावा क्या है। सुहांजना जी, 10 ग्राम सुहांजना, 20 ग्राम एलोवेरा, इसको आप एलोवेरा का जेल निकाल कर आप उसको मैश कर लीजिए, और उसको बाकायदा 3 कप पानी डालिए, बॉयल कीजिए, इसमें पुदीना शामिल कीजिए और एक छोटी इलायची, ये 3-4 कप डालकर इसको बॉयल करें, और 1 कप सुबह, 1 दोपहर और शाम, 3 कप इसमें से निकालिए, 4 कप में उसे बॉयल करके। और नाज़िन इसी तरीके से मैं आपको एक मास्क बता रहा था, वो मास्क में यह है कि संदल, करमली और गुलाब की पत्तियाँ, ये हम वजन लीजिए, इसको बाकायदा लेप पेस्ट बनाकर रात को और सुबह चेहरे पर लगाइए, इंशाल्लाह बहुत में खुदा ये 3 या 4 पेस्ट लगाने के बाद आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। क्या बात, मेरा कहने का मतलब ये कि जो लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, ये घर में बैठे आए सबके बड़ी बात है, बड़ी बात। लेकिन फिर भी आप बहुत लोगों का ख्याल रखते हैं डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी। डॉक्टर साहब कराची बेस्ड है, कराची में इनका मिलेनियम मॉल के नियरेस्ट इनका जो है क्लिनिक भी है, लेकिन ये आउट ऑफ सिटी विजिट भी करेंगे डिफरेंट जगहों पर। बाकी आप इनका नंबर स्क्रीन पर मौजूद था, आप उन्हें कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा प्रोग्राम के बाद। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, नेक्स्ट फ्राइडे फिर इनसे मुलाकात होगी। जी नाज़रीन, हमारा थोड़ा सा एक सेगमेंट रह गया है, वो है किचन का, और हम उसको बस आपके साथ करते हैं और फिर एंड की तरफ चलते हैं, क्योंकि आज जबरदस्त चाइना शुमाइल जो है वो एक डिश बना रही थी, और उनकी तरफ चलते हैं और बात करते हैं। जी शाइना, ओवर टू शाइना, पहले रिपीट कर लो अपनी डिश का नाम और आगे चलो। जी अच्छा, अरबियन राइस विद चिकन शॉर्ट्स हमारी डिश है, उसके साथ मैंने एक यहाँ सॉस बनाई है, और ये सॉस मैंने सिर्फ 1 टेबल स्पून मैंने क्या किया, 1 टेबल स्पून चिली गार्लिक और 1/2 टीस्पून मैंने इसके अंदर क्रश चिली ऐड करके इसको मिक्स कर लिया, ये सॉस मैंने इसके साथ बना के रेडी करी थी। अच्छा सर, अरबियन राइस तकरीबन आप लोगों के सामने कंप्लीट हो गए थे, और मैंने सिर्फ इसमें जर्दे का कलर, ऑरेंज फूड कलर जो होता है वो ऐड करा है, और ये हमारे राइस जो है वो बिल्कुल रेडी हैं, और ये रेडी फॉर डिश आउट है। अच्छा, चिकन शॉर्ट्स का मैं बताती चलूँ कि चिकन शॉर्ट्स जो हैं आप इस तरह से बना के फ्रीज भी कर सकते हैं, और ये फ्रोज़न आपको मार्केट से मिलते हैं और बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिलते हैं, और आप रेस्टोरेंट में ये डिश मिलती है, एक बहुत पाकिस्तान का और इंटरनेशनल ब्रांड है, बहुत मशहूर ब्रांड है, मैं उसका नाम नहीं लूँगी, तो वहाँ ये डिश बहुत ज़्यादा कॉस्टली आपको दी जाती है, और ये कितने सिंपल तरीके से यहाँ बनी है, और अरबियन राइस और उसके साथ चिकन शॉर्ट सर्व किए जाते हैं, तो ये बहुत मतलब अच्छी अमेजिंग डिश है, और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, अब मैं साथ ही साथ इसको बताती चलूँ कि मैंने इसे कैसे किया है। मैंने यहाँ पर आपके सामने एक बैटर बनाया था और एक एग रखा था, और मैंने उस एग में डीप करा और उस बैटर में इसको इस तरह से कोट कर लिया। अब जब मैंने इसको कोट कर लिया तो मैं इसको ऑयल गरम करूंगी, और ऑयल हमारा ठीक ठाक फ्लेम पर हाई होना चाहिए, ठीक है, और मैंने यहाँ इसको इस तरह से फ्राई कर लिया। जी सभी, जी जी जी, इसको बनाऊंगी। तो यहाँ ये चिकन शॉर्ट्स फ्राई हो रहे हैं, और सभी ये इनकी एक स्पेशलिटी है, ये एक डिश 2 चीज़ों को कवर करेगी। गुड, एक तो आपके फ्रोजन आइटम्स को कवर करेगी, और सेकेंड जो है ये आपके, अच्छा जब हम ये डालते हैं शॉर्ट्स वगैरह डालते हैं जी, और जब हम कोट करी हुई कोई भी चीज डालते हैं, बस उसको हमने जस्ट मिक्स करना है, और मिक्स करने उसको छोड़ देना, उसमें हमने स्पून वगैरह से मतलब फ्राइंग, जैसे बाज लोगों की आदत होती है वो मतलब अगर खड़े हुए तो वो स्पून जाए तो नहीं, ऐसा नहीं करना, इससे क्या होगा इसका क्रिस्प खराब हो जाएगा,
तो इसकी जो क्रिस्पनेस है उसकी वजह से जो है ना हमने इसको टच नहीं करना है जब तक ये एक साइड से डन ना हो जाए। अच्छा, अब हमारे पास मेरी जान शाइना शुमैल, शेफ शाइना शुमैल, 2 मिनट्स रह गए मेरी जान, अब बता कंप्लीट है। ठीक है, और यहाँ कैमरे में जी राजी, तो यहाँ मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। ठीक है, और अरबियन राइस है ये हमारे पास, और ये बच्चों और बड़ों सबके लिए बिस्मिल्लाह। और सभी की मुझे एक आदत बहुत अच्छी लगती है कि ये अल्लाह ताला का नाम जरूर शामिल करती है, और अगर सम टाइम मैं पढ़ना भूल जाती हूँ तो मुझे सभी के कहने से जो है ना याद आ जाता है। तो माशाल्लाह ये बहुत अच्छी आदत है सभी की, और वैसे भी सभी जो है ना मतलब पर्सनली भी हमारी कभी बात होती है तो जब भी अल्लाह ताला को जरूर शामिल करती है, तो ये कामयाब लोगों की जो है बहुत शुक्रिया भैया। हर काम अल्लाह के हुक्म से होता है, और क्या है, हम लोग कुछ है ही नहीं है, इस काबिल ही नहीं अपने आप को समझते। मेरा रब है गफूर रहीम, अल्लाह पाक हम सब पर रहम करे। अच्छा, इसे हम लोग टर्न कर सकते हैं? अच्छा, ठीक है। वैसे वो जो टोंग होती है आपके पास, बस ये इसके ऊपर डलेगा। अच्छा, मैं इसमें केचप वगैरह ऐड कर दूं, जो सॉस बनाई है ये मैंने इसको किस पे ऐड करोगे तभी आप इसको देखें, मैं इस पे। ठीक है जी, ठीक है, चले मैं आप कर लीजिएगा, हमारे पास जाने का टाइम हो गया मेरी प्यारी शहजादी। चलिए, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह ताला मंडे को फिर मिलेंगे नए उबरते सूरज की तरह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह।